अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और आप सबकी दुआओं से मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए रिव्यूज़ लेकर आई हूँ जो कि आजकल मार्केट में बहुत ज़्यादा इन है, आई शेडो पैलेट ब्यूटी क्लास्ट की। और ये आई शेडो पैलेट है, इसके अंदर 4 पैलेट्स हैं और हर पैलेट में 15 कलर्स हैं। और अगर प्राइस के हिसाब से देखा जाए तो किसी वेबसाइट पे ये 3400 की है, किसी वेबसाइट पे 3800 की है और किसी वेबसाइट पे ये 4000 की है। और इनके डिफरेंट डिफरेंट प्राइजेस हैं और मैं आपको आज इसका जो है वो रिव्यू शेयर करने लगी हूँ कि जो हमें ओरिजिनल चीज़ दिखाई जाती है क्या हमें वो चीज़ वैसी ही मिलती है या हमें वो कॉपी की सूरत में रिसीव होती है। तो समटाइम्स ऐसा होता है कि हम अपनी तरफ से हाई पिगमेंटेशन परचेज़ कर रहे होते हैं ऑनलाइन, लेकिन हमारे पास जो है वो फेक आ जाती हैं, कॉपीज़ आ जाती हैं उसकी। तो मैं इसका भी आपको एंड पे बताऊंगी कि इसके साथ ये कैसी है, इसके अच्छे और बुरे जो हैं वो फीडबैक्स आपके साथ शेयर करूँगी और आपको बताऊँगी कि ये इसकी शेड्स जो हैं वो कैसे हैं और किस किस कलर में हैं और किस तरह से आप इनको यूज़ कर सकते हैं। और एक ये थीम की सूरत में दी गई है। तो चलें अब आते हैं हम पैलेट को ओपन करने की तरफ। इससे पहले कि हम अपने पॉइंट पर आएँ तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लाइक किया करें, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी किया करें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको जल्द अज़ जल्द रिसीव हो सके। और स्पेशली उन व्यूवर्स के लिए जो बिल्कुल न्यू है मेरे चैनल पे और मेरी वीडियो को वॉच कर रहे हैं और इन्फॉर्मेशन आप लोगों को अच्छी लगती है जो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, तो प्लीज़ मुझे फीडबैक भी दिया करें। और जो व्यूवर्स नए हैं तो प्लीज़ उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वो मेरी वीडियो को लाइक करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी करें और साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस कर दें। और आप लोगों का सबका थैंक यू सो मच। चलिए बातें हैं जी इसके रिव्यूज़ की तरफ और इसके वर्क की तरफ कि ये किस तरह से जो है वो वर्क करता है। इसको मैंने ओपन तो कर लिया था लेकिन अभी यूज़ बिल्कुल भी नहीं की। ये देखें इस तरह से हैं, 1, 2, 3 और 4 पैलेट्स हैं इसकी। इस तरह से इसकी शेप होती है, यहाँ से ये ओपन होगा इस तरह से है और इसको हमने यहाँ से ऐसे ओपन कर लेना है। ये पहले इस पे आ जाती है ग्रीन थीम कि आप ग्रीन कलर का कोई भी मेकअप करना चाह रहे हैं तो इजीली आपको इसमें हर शेड जो है वो अवेलेबल है। आपको मज़ीद किसी कलर में कहीं किसी दूसरी पैलेट पे जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको ये फुल एक ग्रीन थीम मिल जाएगी कि ग्रीन मेकअप करने के लिए किस तरह। ठीक है, आपने इसको स्वाइप अप करना है, ठीक है, और फिर ये आपको मिल जाएगी मैरून सी, रेड सी, कॉपर सी, ऑरेंज थीम, ठीक है ना। मतलब हमें सॉफ्टर टोन अगर चाहिए तो वो इस शेड में हमें मिल जाएंगे, रेड चाहिए तो हमें इस शेड में मिल जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा, ये होगी सेकंड थीम, होगी फर्स्ट थीम, सेकंड थीम। फिर मैं आपको इसके रिव्यूज़ भी बताऊंगी कि कलर एप्लीकेशन के भी बताऊंगी कि वाकई ये अच्छी है, आप लोगों को लेनी चाहिए, वेबसाइट से ऑनलाइन ऑर्डर करवाना चाहिए या आपको देख के इसको लेना चाहिए। उसके बाद फिर ये आ जाती है सेकंड में, ये ब्लू की सारी थीम आ गई है। आपने ब्लू मेकअप करना है और आप इससे आराम से इजीली कर सकते हैं ब्लू में मेकअप। ब्लू वाला शेड जो है आप आराम से इसमें स्मोकी ब्लू कर सकते हैं, स्काई ब्लू कर सकते हैं, शिमरी ब्लू कर सकते हैं, आप कोई सा भी जो है वो ब्लू की थीम इसमें से आप दे सकते हैं। ठीक हो गया। और उसके बाद फिर ये 4th पैलेट आती है, माय मोस्ट फेवरेट कलर्स। ये मुझे ये वाले कलर्स बहुत पसंद हैं, मुझे इनसे मेकअप करना बहुत अच्छा लगता है। मतलब इन कलर्स वाले जो ये शेड्स हैं, ये शेड्स मेरे मोस्ट फेवरेट शेड्स हैं। आगे रिव्यूज़ के बारे में मैं आपको बताती हूँ कि ये कैसे हैं और किस तरह से आप लोगों को लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए या कहाँ से आपको ये जो है अथेंटिक इसका पेज जो है वो मिल सकता है या अथेंटिक हैं भी पाकिस्तान में या नहीं है, ये सब मैं आपको बताऊंगी। लेकिन इससे पहले यहाँ पे आते हैं, आप इसमें पिंक का शेड दे सकते हैं, आप इसमें पर्पल का शेड दे सकते हैं, आप इसमें स्मोकी में जा सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त शेड्स के साथ है ये और आप लोगों को इसकी एप्लीकेशन में भी कोई मसला नहीं होगा क्योंकि एक ही पैलेट में आपको सारा कुछ दिया हुआ है कि थीम्स बना के दी हुई हैं कि आप ये वाले कलर शेड यूज़ करें और आपकी आइज़ जो हैं वो बहुत प्यारी इनहेंस हो जाएंगी, बहुत खूबसूरत सा मेकअप हो जाएगा आप लोगों का। और चलते हैं जी अब इनके स्वेजेस की तरफ। मैं इनको दोबारा से बंद कर रही हूँ, अब मैं आपको अलग अलग से इनके स्वेजेस भी दिखाऊंगी और साथ इसके रिव्यूज़ भी दूंगी कि इसमें कौन से शेड ज़्यादा अच्छे हैं और कौन से नहीं अच्छे।
जी, तो आपने ये वाला पैलेट तो ब्यूटी ब्लास्ट का देख ही लिया है कि क्या है इसके और कलर शेड कैसे हैं और किस तरह से इसकी ओपन और बंद होने का सिस्टम है और कितनी खूबसूरत है, कितनी प्यारी सी पैकिंग में है और कम जगह लेती है और बहुत ही ज़बरदस्त है। और अब हम आते हैं इसके रिव्यूज़ की तरफ, पिगमेंटेशंस की तरफ, कि इसकी पिगमेंटेशन कैसी है। जी, सबसे पहले इसमें आ जाता है ये वाला स्क्रीम वाला शेड, इसको हम इस तरह से करेंगे। इसमें तो बहुत खूबसूरत सी पिगमेंटेशन इसकी बड़ी अच्छी सी आ गई है। मैं इसको यहाँ पे इसका स्वेच करके दिखाती हूँ, ये देखें ये चीज़, ठीक है। इसकी ये चीज़, ये कलर बहुत अच्छा है, परफेक्ट लग रहा है, ठीक है। और इसका सेकेंड वाला कलर ये देखें, शेड आपको पता नहीं सही से नज़र आ रहा है या नहीं, मैं थोड़ा सा क्लोज करती हूँ। तो ये देखिए ये वाला ग्रीन शेड है और ये मैं लगा रही हूँ ये चीज़, ये देखें ये वैसा नहीं लगा। और इसके बाद फिर मैं आ जाती हूँ ये डार्क वाले ग्रीन के ऊपर, इसका भी मैंने स्वेच ज़्यादा किया है और ये मैंने यहाँ पे लगाया। इसकी पिगमेंटेशन अच्छी है, इस वाले की नहीं अच्छी। और फिर इसमें इसके बाद ये आ जाता है शिमरी कलर, ये वाला शिमर लगाया है मैंने और इसको मैं यहाँ पे लगाऊंगी, इसका ये शिमर भी बहुत अच्छा है। और इसके अलावा फिर ये डार्क ग्रीन कलर आ जाता है, इस डार्क ग्रीन को मैं लगाऊंगी इधर। ये डार्क ग्रीन भी सेम वैसा नहीं है, इसको थोड़ा सा ज़्यादा रब करना पड़ेगा और देन इसको ऐसे अप्लाई करना पड़ेगा तो इसकी पिगमेंट अच्छी बनेगी। इसके बाद फिर इसमें कॉपर सा कलर आ जाता है, इस कॉपर कलर को मैंने लिया है, सॉरी मैं दूसरी फिंगर यूज़ कर लेती हूँ, ये कॉपर कलर मैंने लिया है, इस कॉपर कलर को मैंने लिया। और फिर ये कॉपर कलर की भी पिगमेंटेशन इसकी कोई इतनी ख़ास नहीं है, इसको ज़्यादा स्वेच करके अप्लाई करना पड़ेगा। अच्छा जी, इसके बाद फिर आ जाता है ये वाला ग्रीन शेड, ये वाला ग्रीन शेड जो है ये मैं यहाँ पे अप्लाई करूँगी। इसका ये भी अच्छा है, जिस तरह से यहाँ पे है सेम वैसे यहाँ पे है, बहुत अच्छा है। उसके बाद फिर दूसरा ग्रीन शेड ले लेती हूँ, इसको मैं अप्लाई करूँगी। इसका शेड थोड़ा सा इससे लाइट आ रहा है लेकिन ये वैसे देखने में डार्क है। इसके बाद इसका शिमर आ जाता है, इस शिमर को मैंने लिया और इस जगह पे अप्लाई कर दिया। इसका ये वाला शिमर भी अच्छा है लेकिन आपने इसको फैला के लगाना है तो बहुत ज़बरदस्त इसका भी स्वेच होगा। इसके बाद फिर ये वाला ग्रीन शेड आ जाता है, इस ग्रीन शेड को रब किया और इसका स्वेच लिया, ये इसके हिसाब से बिल्कुल ठीक आ रहा है शेड। और फिर उसके बाद ये येलो कलर लिया, इस येलो कलर को लगाया तो इस येलो कलर की पिगमेंट बहुत लो लाइट है। ये येलो कलर, एक ये वाला और एक ये वाला, ये कलर्स दोनों ठीक नहीं है इस पैलेट में। इसके बाद फिर हम ये वाला ग्रीन, दूसरा वाला शिमर, ये थोड़ा सा इसमें कॉपर सा शेड मिक्स है और इसको इसका स्वेच करते हैं। ये देखिए इस तरह से ये और ये ऑलमोस्ट सेम ही है, इन्होंने दो शेड दे दिए हैं। उसके बाद फिर इस कलर का रिव्यू लेती हूँ, रिव्यू मैं जल्दी जल्दी दे रही हूँ। ये और ये कलर बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहे, बिल्कुल भी सही नहीं है। फिर ये डार्क वाला आ जाता है कलर, इसको मैंने यहाँ अप्लाई किया तो ये भी बिल्कुल ठीक नहीं है, बहुत लाइट सा कलर आ रहा है, इसकी पिगमेंटेशन भी कोई इतनी ख़ास नहीं है। उसके बाद फिर ये बड़ा खूबसूरत सा वेलवेटी है, इसको फिर मैंने थोड़ा सा लिया हाथ पे और इसको अप्लाई किया, इसकी पिगमेंटेशन बहुत अच्छी है, बहुत ज़बरदस्त आई है, ठीक है। ये हो गया हमारा ग्रीन कलर का। अब मैं आती हूँ अपना हैंड वॉश करके ताकि दूसरे पैलेट का जो है वो मैं आपको रिव्यू दे सकूँ, ये इस वाले पैलेट का। चलिए जब आते हैं इस वाले पैलेट की तरफ और इसमें देखिए बड़ा ही खूबसूरत सा कैमल सा कलर है, इसको मैंने अप्लाई किया है और ये मैंने यहाँ पे अप्लाई कर रही हूँ, सॉरी यहाँ पे अप्लाई कर रही हूँ। लाइट की वजह से इसकी पिगमेंट ठीक नहीं आ रही है लेकिन बहुत ज़बरदस्त शेड है। इसके बाद फिर ये मैं रस्ट सा कैरेट सा शेड ले लिया है और इस कैरेट शेड को फिर मैंने इधर अप्लाई करती हूँ तो ये कैरेट कलर और इस कैरेट कलर में बहुत फ़र्क है, ये डार्क और ये लाइट है, इसकी पिगमेंट बिल्कुल अच्छी नहीं है। और इसके अलावा फिर मैं ये थोड़ा सा जो है वो कॉपर वाला शेड ले लेती हूँ, कॉपर कैरेट कलर है और इसको मैं यहाँ पे इसका स्वेच करती हूँ तो इसकी पिगमेंट बहुत अच्छी है, ये जैसा यहाँ पे है वैसे यहाँ पे बड़ी ज़बरदस्त शेड आ रहा है। मैं जल्दी जल्दी इसलिए बता रही हूँ कि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो हमारी। उसके बाद फिर ये प्योर कैरेट कलर आ जाता है और ये कैरेट रेड कलर है, ठीक है, ये कैरेट रेड कलर, इसको फिर मैंने यहाँ पे अप्लाई किया, इसका और इसका बहुत ज़बरदस्त है इसका। अब इसमें इस शेड में ना मतलब कुछ इस तरह से कुछ शेड अच्छे डाले हुए हैं और कुछ बुरे डाले हुए हैं, मतलब ये इसका इट्स मीन कि ये वाली पैलेट जो है ये ओरिजिनल नहीं है, ये फेक है, ये कॉपी उन्होंने भेज दी लेकिन ये है फर्स्ट कॉपी, ठीक है। और इसके बाद फिर ये मैं ब्राउन सा शेड लिया है और ब्राउन शेड को मैंने यहाँ पे अप्लाई किया,
इसका ये वाला ब्राउन शेड भी इसके अकॉर्डिंगली बहुत ज़बरदस्त है। फिर ये वाला कॉपर गोल्ड वाला कलर आ जाता है, ये कॉपर गोल्ड सा कलर है। इसकी पिगमेंटेशन यहाँ पर लिया, ये भी बहुत ज़बरदस्त कलर है। उस पैलेट में काफ़ी कलर्स ठीक नहीं थे, इस पैलेट के काफ़ी कलर्स अच्छे हैं। इसके बाद फिर ये मैं ऑरेंज टोन ले रही हूँ। इस ऑरेंज टोन को आप देखें कितना ज़्यादा रब कर रही हूँ, इतना ज़्यादा रब करने के बावजूद मेरा ऑरेंज शेड ठीक नहीं आ रहा। फिर मैंने इसमें येलो शेड, फिर मैंने इसमें लिया है ऑरेंज टोन, टोन को अप्लाई किया है और इसकी पिगमेंटेशन बहुत ज़बरदस्त है, ब्लेंडिंग में बहुत अच्छा जाएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं इस वाले ब्रांड के साथ, इस वाले मेकअप के साथ आप लोगों को डिमी पे वर्क करना भी सिखाऊंगी और बताऊंगी कि किस किस तरह से इसके होते हैं। हम लोग 4 दिन में इसको कंप्लीट करेंगे, एक दिन हम लोग ग्रीन थीम रखेंगे, एक दिन मतलब ये जो चारों शेड्स हैं इन चारों की जो है ना वो अलग अलग थीम्स रखेंगे। अच्छा, उसके बाद फिर कहाँ तक हम पहुँचे थे, यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने ये बड़ा खूबसूरत सा पिंक टोन शाइन वाला आ जाता है, इसको अप्लाई किया और यहाँ पे लगाया। इसकी पिगमेंटेशन इसके हिसाब से बिल्कुल ठीक नहीं है। उसके बाद फिर ये वाला शेड ले लिया है और इस शेड को अप्लाई किया, इसकी पिगमेंटेशन इसके हिसाब से बहुत अच्छी जा रही है। और इसके बाद फिर ये मैंने थोड़ा सा ब्राउनिश वेलवेट कलर लिया है, इस ब्राउन वेलवेट कलर को फिर मैं यहाँ पे अप्लाई करूँगी। ये इसकी बहुत ही ज़बरदस्त बड़ी मज़े की स्मूथ जो है पिगमेंटेशन है इसकी। और इसके बाद फिर आ जाते हैं ये लाइट ऑरेंज वाला, इस लाइट ऑरेंज को मैं इधर अप्लाई करूँगी। देखें इसके शेड भी बहुत अच्छा है, इसमें इन्होंने सॉरी रेड कलर दिया हुआ है, रेड कलर का शिमर और रेड कलर के शिमर को लगाया, लेकिन ये थोड़ा सा ना ऐसे डस्ट डस्ट वाला है, लेकिन है अच्छा कि आइस पे स्टे करेगा। और ये फिर ऑरेंज वाला है, इस ऑरेंज को लगाया, देखें ये आप इसको लगा के फैला भी सकते हैं, ठीक है। ये उतरेगा भी नहीं और रिमूव नहीं होगा, बहुत अच्छा, ठीक है। अब आपको इस पैलेट के भी रिव्यूज़ का आइडिया हो गया। अब हम आते हैं इस वाले पैलेट की तरफ, लेकिन इससे पहले मैं इस पैलेट की तरफ आऊँ, मैं अपने हैंड को क्लीन करके आती हूँ। अब हम आगे हैं जी ब्लू थीम की तरफ, ब्लू थीम, स्काई ब्लू थीम। ब्लू थीम बड़ी ही खूबसूरत है, बहुत प्यारा है। इसमें सबसे पहले हम लाइट सा ये वाला कलर लेंगे। इसको देखिए मैंने ज़्यादा रब किया है तो हल्का सा मेरी फिंगर पे आया, तो मुझे पता चल गया कि इसकी पिगमेंटेशन को इतनी ख़ास नहीं, लेकिन जैसे मैंने लगाया तो मुझे पता चला कि नहीं, इसकी पिगमेंटेशन तो बहुत अच्छी है। इसके बाद आ जाता है डल येलो कलर, इस डल येलो कलर को भी अप्लाई किया और यहाँ पर लगा। इस डल येलो कलर की भी पिगमेंटेशन बहुत अच्छी है, जैसा यहाँ पर है वैसा ही यहाँ पर। समटाइम्स ऐसा होता है कि लाइट के रिफ्लेक्शन की वजह से हमें वो शेड सेम वैसे नहीं मिल रहे होते, लेकिन बहुत अच्छा शेड है, ठीक है। इसके बाद फिर ये हम लोगों ने कैरेट कलर लिया है, इस कैरेट कलर को फिर मैं यहाँ पे अप्लाई करूँगी। ये कैरेट कलर, इस कैरेट कलर में बहुत फ़र्क है, इसकी पिगमेंट नहीं अच्छी। उसके बाद ये आ जाता है बिल्कुल डल स्काई कलर और इसको फिर मैंने लिया है और इसको मैंने यहाँ पर अप्लाई किया, इसकी पिगमेंट और इसकी पिगमेंट बिल्कुल अच्छी नहीं है। फिर यहाँ पे आ जाता है ब्लू कलर, इस ब्लू कलर को मैंने लिया है और यहाँ पे अप्लाई किया है। ये इस ब्लू कलर की पिगमेंटेशन बहुत ज़बरदस्त है, बहुत ज़बरदस्त इसका रिजल्ट आ रहा है। उसके बाद फिर हम आ जाते हैं इस कॉपर कलर की तरफ, इस कॉपर कलर को मैंने फिंगर पे अप्लाई किया है और इसके साथ लगा दिया है, इसकी पिगमेंटेशन भी बहुत अच्छी है। फिर मैंने यहाँ पर फ्रोजी शिमर कलर लिया है और इसको मैंने यहाँ पे अप्लाई किया है, देखें इसकी पिगमेंटेशन भी बहुत अच्छी है, जिस तरह से है, लेकिन जैसे ओरिजिनल की हम लोगों ने देखी थी वैसी तो नहीं है, ऐसे मोटा इसमें मोटा मोटा जो है वो इसका शिमर है, तो लेकिन हमें मेकअप में बारीक वाला ज़्यादा अच्छा चलता है, हमें वो चाहिए होता है, लेकिन चलें खैर फिर भी ये चीज़ अच्छी है। इसके बाद फिर आ जाता है डार्क फ्रोजी सा शेड, इस फ्रोजी से शेड को लिया और यहाँ पे लगाया है। इसकी पिगमेंट और इसकी पिगमेंट में बहुत फ़र्क है, ये बिल्कुल अच्छा नहीं है कलर। और फिर आ जाता है हमारे पास येलो टोन में, येलो टोन को मैंने यहाँ पे अप्लाई किया तो येलो भी कोई ख़ास नहीं है। उसके बाद फिर मैंने ग्रीन कलर लिया, इस ग्रीन कलर को यहाँ पे अप्लाई किया तो इस ग्रीन की पिगमेंटेशन बहुत अच्छा है। अच्छा इसमें मैं बता दूँ, मैंने एक चीज़ देखी है, जो इसके डार्क शेड्स हैं ना वो तो है बहुत ज़बरदस्त, लेकिन जो इसके लाइट शेड्स हैं ना वो नहीं लगते बिल्कुल भी, बहुत ज़्यादा रब करते रहो रब करते रहो तब जाके कहीं लगते हैं। अच्छा इसके बाद फिर ये आ जाता है स्मोकी ग्रे कलर, ठीक है। स्मोकी ग्रे कलर को लिया और इसकी पिगमेंट मैंने यहाँ पर आप इसको ट्राई करवाती हूँ, ये मैंने लिया, इसकी बहुत ही ज़बरदस्त है पिगमेंटेशन। फिर यहाँ पे वेलवेट फ्रोजी कलर लिया है, इस फ्रोजी कलर की भी बहुत अच्छी है पिगमेंटेशन। फिर डल फ्रोजी कलर लिया है और इसकी पिगमेंटेशन बिल्कुल अच्छी नहीं है, ज़रा भी कलर नहीं सही आ रहा। फिर यहाँ पे मैंने फ्रोजी सॉरी ब्लू कलर का जो है वो शिमर ले लिया और इस शिमर को मैंने यहाँ पर अप्लाई किया, इसकी पिगमेंट भी बहुत अच्छी है। उसके बाद फिर मैंने ये डार्क वाला जो है लिया है कलर, और डार्क कलर को भी मैंने थोड़ा सा फिंगर पे थोड़ा ज़्यादा रब किया है और तब जाके इसकी पिगमेंट अच्छी बनी है। तो ये हो गया ब्लू का। इसके बाद आ जाता है जी मेरा मोस्ट फेवरेट पर्पल पिंक सा शेड वाले, ठीक है। इसके लिए मैं अपना हैंड पहले वॉश करूँ और देन आपके साथ आती हूँ।
लीजिए, इसमें भी सबसे खूबसूरत पहले पिंक सा ऐसे शेड है, बड़ा शाइन से वाला है, इसको मैंने यहाँ पे अप्लाई किया। देखें कितनी खूबसूरत इसकी पिगमेंटेशन है, बहुत मज़े का ये शेड है, ठीक है। उसके बाद फिर ये वाला डार्क वाला थोड़ा सा पिंक आता है उससे डार्क, और इसकी पिगमेंट बिल्कुल अच्छी नहीं है, मतलब यहाँ ये वाला कलर यहाँ पर लगाया स्किन पर तो बिल्कुल अच्छा नहीं आया। उसके बाद फिर मैंने थोड़ा सा डार्क वाला शेड लिया है और इस डार्क वाले शेड को फिर मैं इसके साथ लगाऊंगी। इसकी और इसकी पिगमेंट फिर भी अच्छी है, लेकिन जो ये वाला शेड है ना वो लग के फेस पे आईज़ पे वो ये वाला शेड देगा। और इसके बाद मैं डार्क पर्पल कलर में आ जाती हूँ। इस डार्क पर्पल की भी मुझे लग नहीं रहा क्योंकि फिंगर पे लग ही नहीं रहा था, मैंने इसको काफ़ी रब किया, रब करने के बाद मैंने इसको यहाँ पे लगाया तो तब जाके इसकी थोड़ी सी पिगमेंट बनी। अब देखिए ये वाला और ये शेड में बहुत फ़र्क आ रहा है, इसकी भी पिगमेंटेशन इतनी अच्छी नहीं है। उसके बाद फिर ये हमें थोड़ा सा आ जाता है मल्टी ग्रीन, इसमें सिल्वर भी है, उसमें ब्लू भी है, इसमें पर्पल सा भी है, स्काई सा, ठीक है। और इसको हम यहाँ पे लगाते हैं, इसकी पिगमेंटेशन बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत खूबसूरत है। इसके बाद फिर ये वाला फिर वही पिंक सा शेड आ जाता है, इस पिंक को हम लोग ट्राई करते हैं इस जगह पर, इसकी पिगमेंटेशन बहुत अच्छी है, बहुत आला है, ज़बरदस्त है। इसके बाद फिर ये वाला पिंक कलर आ जाता है, पिंक में भी काफ़ी वैरायटीज़ होती हैं, ये वाला पिंक की भी पिगमेंटेशन बहुत ज़बरदस्त है, बहुत अच्छी है। फिर ये आ जाता है थोड़ा सा रेड मैरून सा जो शेड है ये वाला, इस रेड मैरून शेड को लेते हैं और यहाँ पे अप्लाई करते हैं। इसकी पिगमेंट और इसकी मतलब ये इतना ख़ास नहीं है, इसको ज़्यादा ज़्यादा रब करना पड़ेगा और अप्लाई करना पड़ेगा तब जाके हमारा कलर रिक्वायर कलर हमें मिलेगा। उसके बाद फिर ये पर्पल वाला जो है वो शिमर आ जाता है और इस शिमर को मैं लगाऊंगी इस जगह पे, इसकी पिगमेंटेशन भी अच्छा, शिमर की ना सबकी पिगमेंटेशन बड़ी अच्छी है, बहुत ज़बरदस्त है ये शेड। इसके बाद फिर ये वाला पिंक वाला शेड आ जाता है, बड़ा खूबसूरत सा बेबी पिंक कलर है, और उस बेबी पिंक को मैं यहाँ पे लगाऊंगी, लेकिन इस बेबी जितना मुझे अच्छा लग रहा था ना उतना ये लग के बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। और अब फिर आ जाता है ये वाला डल पर्पल कलर, इस डल पर्पल कलर को मैंने अप्लाई किया है इस जगह पर, अप्लाई करती हूँ, इसकी पिगमेंट इसके साथ बहुत ज़बरदस्त चाह रही है, बहुत अच्छी है। ये वाला कॉपर कलर आ जाती हूँ, कॉपर शाइन वाला है, ये भी बहुत ज़बरदस्त है। ये फिर इसके बाद ब्राउन कलर आ जाता है, इस ब्राउन कलर को मैं अप्लाई करती हूँ, ये भी बहुत ज़बरदस्त है। फिर ये वाला पिंक पर्पल आ जाता है और पिंक पर्पल लगाती हूँ तो ये भी बहुत ज़बरदस्त है। उसके बाद फिर ये पर्पल आ जाता है और इस पर्पल को लगाती हूँ तो ये इसके जैसा नहीं है। अच्छा जी, ये चारों कलर्स हो गए हैं हमारे कम्प्लीट, और मैंने आपको इनके रिव्यूज़ भी बता दिए हैं और इसका सारा बता दिया है कि किस किस तरह से ये शेड यूज़ होते हैं, ठीक हो गया। और उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये वाली वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, और उन लड़कियों के लिए जो बहुत ज़्यादा ऑनलाइन शॉपिंग करती हैं, परचेजिंग करती हैं, उनके लिए ये बहुत बेस्ट है कि वो ये जान लें कि ये वाला जो है आप लोगों ने ऑनलाइन बिल्कुल नहीं मंगवाना। अगर आपको मार्केट में ये मिलता है, किसी शॉप पर आपने पहले जाना है, वहाँ पर इसके स्वेजेस लेने हैं, देन आपने परचेज़ करना है इसको। और इसकी कीमत के हिसाब से देखा जाए तो ये कहीं 38 की है, कहीं 4000 की है, कहीं 35 की है, कहीं 36 के, मतलब 3500 से इसकी रेंज ऊपर ही है। तो बहुत ज़्यादा आजकल ये इन है, इस वजह से मुझे लगा कि मुझे इसके रिव्यूज़ जो है ना वो आप लोगों के साथ लाजमी शेयर करने चाहिए, ताकि आप लोगों को भी पता हो कि ये चीज़ ऑनलाइन जो हमें दिखाई जा रही है वो कैसी है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। इसी के साथ मुझे इजाज़त है, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, और वंस अगेन प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको जल्द अज़ जल्द रिसीव हो सके। अल्लाह हाफिज़।